शहर में ई चालान का सिलसिला जारी है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से अब तक 75,000 ई चालान जारी किए जा चुके हैं। ई चालान की मद में 70 लाख से ज्यादा जुर्माना कौमी खजाने में जमा हुआ है। इस पर बात कर लेते हैं उमर जावेद से। उमर, तेजी से ई चालान किए जा रहे हैं, शहरियों को बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से आगाही फैलाई गई थी और चालान जो थे वो बहुत ही मिनिमल नंबर के किए गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चालान की उसके अंदर तादाद में इजाफा होता जा रहा है। एक माह के दौरान 75,000 से ज्यादा चालान किए गए हैं, जिसकी मद में 7 मिलियन जो है वो कौमी खजाने में जमा हुए हैं। 8,000 ऐसी गाड़ियों की निशानदेही की गई है एक महकमा एक्साइज को, जिनके जो दस्तावेजात थी वो गलत निकली है, उनके जो बारे में इंफॉर्मेशन थी वो गलत निकली है। इसी तरह मोटरसाइकिल रिक्शा समेत हर सवारी जो है उसका चालान किए जा रहे हैं। और अब जो फैसला बड़ा फैसला सामने है वो ये है कि जो गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार अपना ई चालान जमा नहीं कराएगा उसका एक 15 दिन तक उसका इंतजार किया जाएगा, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और फिर उसको मखसूस सड़कों के ऊपर उसको चलाने के ऊपर सवार ट्रैफिक रोड यूज करने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर जावेद।